बोलिया रे भाई बंधे परिवार रूस गया वो सब तैनाता तोड़ चला। भाई बंद परिवार रूस गया सब तैनाता तोड़ चला और भात भरण की सब तनाता तोड़ चलिया भात भरण की तैयारी करके नरसी गाड़ा जोड़ चलिया। यहां से रागनी शुरू होती है। पहले नंबर पर सुनियो गाड़ी के कौन कौन से पुर्जे खराब हो रहे थे, क्या लिखा कवि ने नंबर एक में, भात भरण का भात भरण का ये भात भरण का जिक्र चल्या जब भैया गहल्या होगी राड दूसरे की गाड़ी मंगी दूरे के दोहरे भाड़ संझन कटरी। ये गाड़ी के पुर्जे थे, जो मेरे बुजुर्ग श्रोता हैं वो जानते हैं बैल और गाड़ी में कौन कौन से पुर्जे होते थे। संझन कटरी अमन ढिल्ली पहिया चालली कबाड़ बिना शलम का बाका जुआ पई ढिल्ले हो रे सारे नाड़ बिना शलम का बाका जुआ ढिल्ले हो रे सारे नाड़ फिर लुटे सुटे होगी राड दूसरे की काटी मांगी दूरे के दोहरे फाड़ संजन कटरी आमन ढिल्ली पहिया चल लीक पाड़ बिना शलम का बाका जुआ ढिल्ले हो रे सारे नाड़ लोटे सोटे और लंगोटे धरके गुदड़ छोड़ चलिया भात भरण की तैयारी करके नरसी गाड़ा जोड़ चलिया। दूसरे नंबर पर सुनिए गाड़ी के कौन कौन से पुर्जे खराब हो रहे थे, क्या लिखा कवि ने। टिकाणी के शाल बहरे ये गाड़ी के पुर्जे हैं। टिकाणी के शाल बहरे सुआ और सकेल नहीं ये सारे खुटे रडग डग हल किसी चीज का वो मेल नहीं ये दोनों लोधर अति कशरी उंगन खातर तेल नहीं। और लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद के रूप में ताड़िया चाहूंगा। इसे बखत पे
इसे बखत पे यो बात भरना दिखे लोगो हंसी खेल नहीं इसे बखत पे और शकेल नहीं सारे खुटे डगडग हाल है किसी चीज का मेल नहीं दोनों लोदर आदि गसरी उंगण खातर तेल नहीं इसे बखत पे भात भरना लोगों हंसी खेल नहीं राम सिंह के बैल जोड़कर सिर सागड़ की ओर चलिया भात भरण की तैयारी करके नरसी गाड़ा ऐसा बताते हैं कि भाई स्टाफ का स्टाफ आया ग्रह जो डॉक्टर होगा उसका डॉक्टर आवेगा जो मास्टर होगा उसका मास्टर आवेगा उसी प्रकार से नरसी सेठ का भी स्टाफ आ जाता है जब गाड़ी जोड़ कर चलिया 10-12 मोटे आगे बोला भाई नरसी कहाँ जाने की तैयारी कर ली बोला भाई मैं अपनी बेटी हरनंदी का भात भरने के लिए जा रहा हूँ बोला भाई हम भी चल लेंगे तेरे गैल जैसे ही वो 16 साधु गाड़ी में बैठते हैं प्रेमियों बूढ़े बैल थे पुरानी गाड़ी थी एकदम से गाड़ी लचर पचर हो जाती है बूढ़े बैल एकदम तक गोटे धरती में लगे नरसी सेठ ने हाथ जोड़ लिया कि भाई बेइज्जती हो जाएगी अगर मेरे साथ में चलना चाहते हो तो 2-4 आगे हो लो 2-4 पाछे हो लो और 2-4 गाड़ी में बैठ लो जब पार पड़ेगी कैसे चलते हैं के लिखा नंबर 3 में आदरणीय ओम प्रकाश चौधरी हेडमास्टर साहब गोपीपुरा से स्पेशल मेरे लिए 500 रुपए सम्मान करते हैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें जोरदार तालियां सुनिए नंबर 3 में किस प्रकार से चलते हैं नरसी सेठ और वो 16 साधु के लिखा सुनिए नारास लगामी ये गाड़ी के पुर्जे हैं नारास लगामी नाथ जेवड़ा भूखे हो रे दोनों बैल 10-12 जट्टो मोटे आगे कया हम भी चाल तेरी बोला आगे पछे हो लो सारे करते फिरते चलो से फिर थोड़ी देर में आ पहुंचा उड़े सावण सा गढ़वाला छे थोड़ी देर जट मोटे आगे कया हम भी चल रहे तेरी गैल आगे पाछे होलो सारे
करते फिरते चालो सैल, फिर थोड़ी देर में आ पहुंचा उड़े सावण सागढ़ वाला सैल। जब कृष्ण भगवान ने देखा कि भाई भगत विरान हो रहे हैं, खाती का भेष बनाकर आ जाते हैं, और ऐसी माया थी कृष्ण भगवान की, जिस चीज का हाथ लगाया वो चीज एकदम से नई हो जाती है। गाड़ी का हाथ लगाया गाड़ी एकदम नई होगी, बैलों का हाथ लगाया बैल एकदम से जवानी आ जाती है, बैलों के अंदर एकदम कच्चे नारे बन जाते हैं, जमा कच्चे किस प्रकार से चलते हैं। के लिखा नंबर चार में कोई घड़ी के अरसे में दिखे, कोई घड़ी के अरसे में वो पहुंच गए सिरसा के गोरे बड़े सियाने आन लाग गए बात करण नरसी के धोरे। हासी ठट्ठा करे मस्करी क्यों आ बैठा कलर कोरे, कोई बोली मारे यो बात भरेगा सारी दुनिया